हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और मेल करते हैं कि सर डेटा एंट्री क्या होती है, या डेटा एंट्री पे कैसे वर्क करते हैं, या कंपनी में डेटा एंट्री में क्या काम होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेटा एंट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी टाइप की डेटा की एंट्री, मतलब कोई भी डेटा है और उसकी एंट्री यदि किसी भी सॉफ्टवेयर पर हम करते हैं तो हम लोग उसे डेटा एंट्री ही कहते हैं। और डेटा एंट्री का जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे नंबर वन पे एमएस एक्सेस आता है, और नंबर दो पे जो आता है वो एमएस एक्सेल आता है, और नंबर तीन में आता है डेटा एंट्री के लिए एमएस वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस एक्सेस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो डेटा की एंट्री होती है वो लोग एक्सेल पे ही करवाते हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं कुछ वो डेटा एंट्री पे वर्क करते हैं ऑनलाइन डेटाबेस पे, तो वो लोग जो डेटा फीड करते हैं वो या तो कंपनी खुद का सॉफ्टवेयर आजकल मैन्युफैक्चर करवा लेती है या तो एक्सेल पे काम करवाते हैं। तो एक्सेल पे अगर डेटा एंट्री की बात की जाए तो हम एक्सेल पे किसी भी टाइप के डेटा को फीड करना, मतलब एक्सेल पे किसी भी टाइप के डेटा को फीड करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। बाकी बहुत सारे जो मेरे व्यूवर हैं वो कहते हैं कि सर डेटा एंट्री का एग्जांपल मुझे आप मतलब बना के वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो मैंने इसीलिए डेटा एंट्री पे भी मैंने वीडियो बनाया था। आप जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने प्लेलिस्ट जब मैं एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पे ये मैंने प्लेलिस्ट खोला है। थोड़ा सा नेट भी स्लो ही चलता रहता है, पता नहीं कैसे मेरा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटा एंट्री प्रैक्टिस बुक। जब आप इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है लेसन वन डेटा एंट्री ट्रेनिंग फॉर जॉब कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाना। किस तरीके से आप जॉब के लिए मेक प्रोटेक्ट डेटा एंट्री, या कैसे आप ड्रैगिंग कर सकते हैं डेटा एंट्री बनाने में, कैसे आप मतलब लोन एंट्री डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये मैंने डेटा एंट्री से रिलेटेड एक तैयार किया था फाइल, और आप इसे देख करके सीख सकते हैं कि डेटा एंट्री पे कैसे वर्क करें, या घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये बनाया था। उससे भी अलग मैंने यहाँ पे कुछ और भी बनाया है, जैसे मैं यहाँ पे व्यू 17 मोर है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। पहले यदि आपको डेटा एंट्री में परफेक्ट होना है तो आप क्या करिए, आप मेरे इस वीडियो के जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे चैनल के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये है डेटा एंट्री प्रैक्टिस बुक जो मैंने आपको दिखाया, और आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल प्रैक्टिस बुक इन हिंदी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल प्रैक्टिस बुक इन हिंदी। 78 मैंने वीडियोज डाले, कम भी नहीं है, 78 बहुत होता है। अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको डेटा एंट्री या कंप्यूटर पे जो एक्सेल की जो फाइलें बनाते हैं उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एकदम 100% एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मतलब आप इतना तो हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ, ये वीडियो में ओपन हो गया था, मुझे लिस्ट ओपन करनी है इसकी, रुकिए लिस्ट इधर आएगी। फ्रेंड्स मेरा नाम है, कंप्यूटर जब सिस्टम थोड़ा स्लो चले तो यही दिक्कत आए, ये आ गया। मैं इसे यूट्यूब में ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए जब ये आप एम एस एक्सेल की प्रैक्टिस बुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक से लेकर ऐसी नीचे 78 तक मैंने पूरे डेटा एंट्री से ही रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, और आप इसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इसे देख करके आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक्सेल में मेरे हिसाब से ना के बराबर ही आपको मतलब दिक्कतें आएंगी। मतलब दिक्कतें आनी की नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सारी इसमें प्रैक्टिस बुक बना दिया है एक्सेल की, कि आप सभी एक्सेल की प्रैक्टिस बुक पे वर्क करिए, इस पर मतलब जो ट्रेनिंग है इसकी ट्रेनिंग लीजिए, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी मैं आज जो डेटा एंट्री से रिलेटेड एक डेटा तैयार कर रहा हूँ कि आप अगर डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल पे तो आप फॉर्म कैसे, फॉर्म यूजर फॉर्म कैसे बना सकते हैं।
वैसे एमएस एक्सेल में फॉर्म का ऑप्शन आता है, लेकिन एक्सेल में भी आता है, तो आप एक्सेल में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर का, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम कि मैंने वीडियो लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं, आसानी से आपको वो फाइल या वो वीडियो मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। जब आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करा फुल स्क्रीन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे यूजर फॉर्म इंसर्ट करना है। अब यूजर फॉर्म इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक रिबन दिख रहा होगा ऐसा, ये रिबन कभी कभी अप और कभी कभी डाउन आता है, डाउन भी आ जाता है, हम डाउन कर भी सकते हैं। ये देखिए, ये शो बिलो इन रिबन करते हैं, देखिए यहाँ डाउन आ गया, और मैं अगर अबव करता हूँ तो डाउन अप आ जाएगा, मतलब अप डाउन दो कंडीशन में आते हैं ये। तो आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है मोर कमांड्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में देखिए बहुत सारे इसमें देखिए कमांड्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पॉपुलर कमांड के नीचे कमांड्स नॉट इन द रिबन सिलेक्शन करना है, जिससे आपके जो ऑल कमांड्स हैं जो इस रिबन में नहीं आ रहे थे वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। शुरू में तो देखिए न्यूमेरिकल में है 3, 3, 3, 5, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल है ए से लेके ऐसी जेड तक। तो जब आप ए से जेड तक नीचे आएंगे तो एफ से फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो मैं अब देखिए बी पे हूँ, अब सी पे हूँ, अब ये आपका डी आ गया, ऐसे ही डाउन आते रहेंगे, और देखिए एफ पे फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे सेव अंडो रीडो, तीन ऑप्शन आ रहे हैं सेव अंडो रीडो। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करके इसे ऐड करते हैं तो जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, ये फॉर्म का ऑप्शन है। और इस फॉर्म के ऑप्शन को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया सपोज डैट नेम, यहाँ पे मैंने नेम के बाद लिख दिया सपोज डैट डेजिनेशन, उसके बाद मैंने नेम हो गया डेजिनेशन हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम डेजिनेशन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज डैट सैलरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज डैट सिटी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंट्री। अब मुझे इसका हेडिंग बनाना है, हेडिंग बना लिया मैंने, उसके बाद मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ और इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन कर लिया ऐसे हेडिंग को और इसे ब्लैंक वाले को, और फॉर्म पे क्लिक करें। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ओके का बटन दबाएंगे, यहाँ पे फॉर्म ऐसा आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद यहाँ पे नेम देखिए सभी बॉक्स में आ गए, और जैसे जो यहाँ डेटा था वो सभी ऐसे बॉक्सेस में आ गए। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्म के हिसाब से टाइप करना चाहते हो तो फॉर्म के हिसाब से इस टाइप से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया संदीप कुमार, यहाँ पर आने के लिए या तो माउस से क्लिक करिए, और डेजिनेशन में मैंने यहाँ पर डाल दिया एच आर हैं, सैलरी इनकी 25,000 है, सिटी ये सपोज डैट नोएडा में रहते हैं, स्टेट एनसीआर लगता है, कंट्री इंडिया हो गई। अब जब न्यू पे क्लिक करेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लिखा सुधीर मोहन, फिर आप नीचे आने के लिए माउस का भी यूज मत करिए, टैब का एक बटन होता है कीबोर्ड में टैब, जहाँ मैं देखिए ये इधर मैं कर्सल आया ना तो इसी के सिधाई में नीचे होगा यहाँ पे कीबोर्ड में इस एरिया में, तो ये आपका राइट एरिया लेफ्ट एरिया, लेफ्ट एरिया में टैब होगा, तो टैब का जो ऑप्शन प्रेस करेंगे तो मोहन से नीचे ऑटोमेटिक देखिए मैंने माउस यहाँ रख दिया, टैब दबाता हूँ नीचे आ जाएगा। डेजिनेशन में मैंने मैनेजर डाल दिया सपोज डैट, फिर टैब दबाया मैंने सैलरी डाल दिया मैंने उनकी, फिर मैंने सिटी यहाँ पर डाल दिया, फिर मैंने स्टेट डाल दिया, फिर मैंने कंट्री डाल दिया,
और जब भी मैं न्यू पे क्लिक करूँगा वो नीचे ऐसे ही ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ आप ऐसी नाम लिखेंगे और इस हिसाब से आप यहाँ पे फीड करते जाएंगे टैब दबा दबा के, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक एंट्री न्यू पे क्लिक करने के बाद हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे राजनगर लिख दिया मैंने, यूपी, और कंट्री इंडिया। जितनी बार आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा एंट्री होती जाएगी और यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप डेटा एंट्री का फॉर्म इनेबल कर सकते हैं और इस तरीके से आप डेटा एंट्री नीचे तक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यूजर फॉर्म इंसर्ट करना बताया हूँ कि आप डेटा एंट्री के लिए यूजर फॉर्म किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। डाटा ऐसी सिलेक्शन कर लो, फॉर्म पे क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करा, देखिए न्यू फिर दोबारा आ गया। नेम यहाँ पे लिखना है तो नेम मैंने अब नया नेम जैसे राजा वर्मा लिख दिया, और उसके बाद डेजिनेशन मैंने ऑपरेटर लिख दिया, उसके बाद मैंने सैलरी यहाँ पे डाल दिया 16,500 रुपये, सिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डैट राजनगर ही डाल दिया मैंने, यहाँ पे स्टेट यूपी, उसके बाद कंट्री इंडिया। तो आप जब जब न्यू एंट्री पे करेंगे ऐसी न्यू एंट्री यहाँ आती रहेगी ऐसे, ऐसी नेम डालते जाइए। डेजिनेशन मैंने HR डाल दिया दोबारा, यहाँ पे मैंने सैलरी डाल दिया 22,000, यहाँ पे सिटी डाल दिया मैंने गाजियाबाद, यहाँ पे स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया। तो आप जब इस तरीके से डेटा फीड करते जाएंगे लास्ट में आप यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन ऐसे लगा लीजिए। अब फिल्टर में हमें देखना है कि कितने हमारे यहाँ HR हैं, तो HR पे क्लिक करते हैं तो HR आ जाएंगे। ऐसी मैंने कहा कि हमारे यहाँ कितने मैनेजर हैं तो मैनेजर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कितने यहाँ हमारे यहाँ कितने ऑपरेटर हैं ऑपरेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सभी के सभी आ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यूपी के हैं तो कितने वर्कर यूपी के आ जाएंगे, कितने वर्कर NCR के हैं तो NCR के वर्कर आ जाएंगे, कितने वर्कर दिल्ली क्षेत्र के हैं तो दिल्ली क्षेत्र के आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं और डेटा एंट्री के लिए ऐसे फॉर्म बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी, एक बार ट्राई करके देखिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आज का जो आज मैं बताया हूँ आपको, जो ये थीम था आज का, कॉन्सेप्ट था ये फॉर्म का था, ये छोटा सा ही था एक थीम। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।